नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सरस्वती एजुकेशन ग्रुप अड़कसर द्वारा संचालित लाइव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, जो दूसरा अध्याय है हमारा, विश्व की प्रमुख जनजातियां। उनमें दो जनजातियों के बारे में पिछले दो रोज में आपको बता दिया गया है। पहली जनजाति थी एस्किमो जनजाति और दूसरी जनजाति है बुशमैन जनजाति। इन जनजातियों से संबंधित जो नोट्स है वो हमारी स्कूल के एप स्कॉलर्स ERP पर संकलित किए गए हैं, तो आप अपने पास खुद की आईडी और पासवर्ड लगा करके और उन नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज जो हमारा इसका आगे का भाग है वो है भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भील जनजाति है वो संताल और गोंड जनजाति के बाद में तीसरी बड़ी जाति है, जो अधिकतर राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है पहाड़ी प्रदेश वहां पर पाई जाती है। यह जनजाति काफी प्राचीन जनजाति है, जैसे जो ऐतिहासिक अभिलेख है उन अभिलेखों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप की सहायता करने वाली जो प्रमुख जनजाति थी वो भील जनजाति थी, जिनके महाराणा प्रताप के जो सिपाही थे या सेना के जो लोग थे वो ज्यादातर भील जनजाति से संबंधित थे। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ियन भाषा जैसे हिंदी हमारी भाषा है, तो उसी प्रकार से दक्षिण भारत के लोगों की भाषा है द्रविड़ भाषा। तो द्राविड़ियन भाषा का जो भील शब्द है उसके बिल्लू शब्द से हुई है। द्राविड़ियन भाषा का बिल्लू शब्द जिससे भील शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, ऐसा जो इतिहासकार है उनके अनुसार बताया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीरंदाज। तीर चलाने वाला व्यक्ति तीरंदाज। तो द्राविड़ भाषा के बिल्लू शब्द का शाब्दिक अर्थ है तीरंदाज, अर्थात द्राविड़ भाषा के अनुसार भील शब्द की उत्पत्ति का अर्थ होता है तीरंदाज, तीर चलाने वाला व्यक्ति, वह होता है भील जनजाति से संबंधित। अब आगे अलग अलग प्रकार के इसमें बिंदु दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों की मान्यता है। कई बताते हैं किस प्रकार से भील की उत्पत्ति हुई है, उसी के तहत एक आता है कि संस्कृत जो भाषा है उसमें क्रिया के मूल जिसका अर्थ होता है भेदना या वध करना, भी जो मूल शब्द है तो उसमें भील जनजाति है उसका शाब्दिक अर्थ संस्कृत भाषा के अनुसार भेदना या उसका वध करना मारना, ये शब्द संस्कृत भाषा के अनुसार है। तो उन्होंने भील शब्द की उत्पत्ति इस भेदना से या वध करना से बताया गया है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति निषाद से हुई है, पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति वो निषाद से हुई है। महाभारत में इनका संबंध एकलव्य से है, महाभारत में तो एकलव्य नाम का लड़का था जिन्होंने अपने गुरु को दक्षिणा के अंदर अपना जो अंगूठा काट करके दे दिया था, यानी गुरु ने बोला कि आप मेरे को दक्षिणा में क्या दोगे, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव जो इच्छा आपकी वो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो एकलव्य भील जनजाति से संबंधित था, तो उनके गुरु के मन में यह विचार आया कि ये लड़का आगे जाकर के बहुत बड़ा तीरंदाज बन सकता है, तो इस कारण उन्होंने कहा कि आप जिस दाएं हाथ से तीर चलाते हो वो अंगूठा मेरे को अपनी गुरु दक्षिणा में दीजिए। तो एकलव्य ने अपने गुरु दक्षिणा के अंतर्गत दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दे दिया था, तो वो बताया गया एकलव्य पुराणों के अनुसार। तो वो भी भील जनजाति से संबंधित एक छात्र था, अपने गुरु के निवास में या गुरुकुल में वो पढ़ता था और वहीं से उन्होंने तीरंदाजी सीखी थी। इसके साथ साथ कर्नल टोड, जिसको राजस्थान का इतिहासकार या राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है कर्नल जेम्स टोड, तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया है कि तत्कालीन मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं जो भील जनजाति से संबंधित थे। इसके साथ साथ उन्होंने महाराणा प्रताप, उन्होंने बताया कि इन भीलों ने महाराणा प्रताप
आपकी सहायता की थी अकबर की सेना के खिलाफ। तो ये तो आया भील जनजाति के बारे में उनका परिचय। अब आगे हम पढ़ेंगे भील जनजाति की शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना यानी बिलों की जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। दो जातियों के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब इसमें पढ़ेंगे कि उन लोगों की शारीरिक संरचना किस प्रकार की है। तो भील जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं, न ज्यादा लंबे होते हैं, एकदम छोटे कद के या नाटे कद के ये लोग पाए होते हैं। इसके साथ साथ इनका रंग गहरा काला होता है और इनकी नाक होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है। इसके साथ साथ इनकी आंखें लाल, बाल है वो बाल है वो झुरझुरी हालत में, जिस प्रकार से भेड़ की ऊन होती है उस आकृति में इनके बाल पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इनका जबड़ा है वो कुछ ऊपर उठा हुआ होता है, साथ ही इनका शरीर सुगठित और सुडोल होता है, यानी इनकी जो शरीर की बनावट होती है वो एक प्रकार से हष्टपुष्ट मनुष्य की जो शरीर होता है उसकी आकृति में उनका शरीर होता है, सुगठित और सुडोल आकृति का इनका शरीर होता है। ये परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं और आजादी प्रेमी भी होते हैं। साथ साथ इनमें चोरी करना पाप माना जाता है, इन लोगों की मान्यताओं के अनुसार कि चोरी करना है वो एक प्रकार का पाप है। तो ये इनकी शारीरिक संरचना आ गई। अब आगे आता है इनका निवास क्षेत्र, यानी ये जनजाति कहां कहां पाई जाती है। निवास क्षेत्र मुख्यतः ये जनजाति दक्षिणी राजस्थान की जो पहाड़ी है उन पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। भील जनजाति दुर्गम और निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियां और वन क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है। भारत में भील मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर इन जिलों में इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। मध्य प्रदेश में ये धार, रतलाम और झाबुआ जिलों में पाए जाते हैं। गुजरात में ये पंचमहल और वडोदरा में पाए जाते हैं और महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, गुजरात के अंदर औरंगाबाद और अहमदनगर, जबकि महाराष्ट्र के भी कई जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। अब आगे आएंगे इसके आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप परीक्षा के अंदर 24 अध्याय से दो नंबर का और या तीन नंबर का प्रश्न आता है। अगर एक साथ में तीन नंबर का प्रश्न है तो वो पूछा जाएगा किसी एक जनजाति के बारे में कि उसके आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। या आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो जो बिंदु आते हैं उनका जो आखिर करना है, वजन संग्रहण करना है, उनके रीति रिवाज है, उनके वस्त्र है, उनके औजार है, तो उनमें से तीन बिंदु देते हैं और उनके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाता है। या फिर 2+1, एक नंबर कोई सी परिभाषा पूछी जाती है और दो नंबर का अलग से एक प्रश्न आता है। तो ये मुख्य रूप से आपके इस चैप्टर में चार जनजाति है, चार में से कोई सी एक जनजाति है जिसका परीक्षा के अंदर हर बार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो उन आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत पहला जो बिंदु आता है वह है आखेट या शिकार करना। विश्व की या भारत की जितने भी जनजाति हैं उन जनजातियों का मुख्य जो व्यवसाय है वो शिकार करना ही है, क्योंकि पहाड़ी प्रदेशों में निवास करती है। इनके भोजन का मुख्य जो काम है या भोजन का जहां से प्राप्त होता है वो है शिकार करना, जंगली जानवरों को मारना और उनका उनको खाना। उसके बाद में इनका नंबर आता है भोजन संग्रहण में, जिसमें कंद मूल फल आदि का संग्रहण किया जाता है। उसके बाद में नंबर आता है कृषि करना, खेती करना। तो पहला मुख्य काम होता है इनका आखेट करना, शिकार करना। तो वह भी भील जनजाति का यह प्रमुख बिंदु है, प्रमुख कार्य है आखेट करना। अब ये शिकार किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में इस बिंदु के माध्यम से बताया जाएगा कि भील जनजाति है वो तीर कमान
की मदद से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और तालाबों में वो मछलियां भी पकड़ते हैं अपने तीर जो प्रतीक कमान है तीर बाण है उनकी तो उनके माध्यम से वो जंगली जानवरों को मारते हैं। साथ ही आसपास के क्षेत्र में पहाड़ी प्रदेशों के पास में जो तालाब है तो उन तालाबों से वो मछलियां भी पकड़ते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं क्योंकि भारत सरकार ने वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 का गठन कर लिया है भारतीय संविधान में। उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति वन्य जीवों का शिकार करता है तो उस पर सरकार के द्वारा या देश की जो कानून व्यवस्था है उसके द्वारा सजा का प्रावधान किया गया है। भारत के कई पक्षी हैं जो संकटापन्न स्थिति में है या जो समाप्त होने वाले हैं तो उन प्रजातियों पर भारत सरकार ने पूर्णतया रोक लगा रखी है। उन प्रजातियों में कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की गिलहरियां हैं कई प्रकार के पक्षी है कई प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की टिटेरी है या चित्ता है तो ये जो जीव है जो लगभग संकटापन स्थिति में आ गए हैं या समाप्त हो गए हैं। जैसे पहले आज से लगभग 5-7 साल पहले गिद्ध जो काफी बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र में पाए जाते थे लेकिन वर्तमान में वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं तो इसका कारण ये हो गया कि वो जल्दी लगभग समाप्त हो गई। या फिर यहाँ पर आज से जब कृषि का क्षेत्र कार्य बहुत कम होता था या सिंचाई के माध्यम से कृषि कम की जाती थी उस समय कई प्रकार के जंगली जीव यहाँ पर पाए जाते थे लोमड़ी है गिद्धड़ है भेड़िया है तो ये जातियां धीरे धीरे कम हो रही है। इसका कम होने का कारण क्योंकि जो जो जनसंख्या बढ़ रही है तो इन वन्य जीवों का निवास क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जा रहा है। साथ ही लोगों के द्वारा इनका अवैध शिकार किया जाता है जिसके कारण ये जनजाति ये वन्य जीव जाति है वो नष्ट हो रही है। तो भारत सरकार ने इसको रोकने के लिए 1986 में वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया जिसके कारण धीरे धीरे बिलों के द्वारा वन्य जीव को शिकार करना उन्होंने कम कर दिया है और लगभग 80% जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लग गई है। पहाड़ी प्रदेशों में की जाने वाली कृषि और मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि दो अलग अलग प्रकार की होती है। उस कृषि के अंतर्गत एक तो है चिमाता और एक है दजिया। चिमाता और दजिया वैसे यह कृषि स्थानांतरित कृषि का ही रूप है जो भील जनजाति के द्वारा की जाती है। बिल्लों द्वारा पहाड़ी प्रदेशों में की जाने वाली झूमिंग या स्थानांतरित कृषि को दजिया चिमाता कृषि के नाम से जाना जाता है। यानी बिल लोग पहाड़ी प्रदेशों में जो झूमिंग या स्थानांतरित कृषि करते हैं तो उसको बोलते हैं चिमाता। अब दूसरा आता है दजिया जो इसका ही विपरीत है यानी बिल्लों के द्वारा मैदानी प्रदेशों में जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं दजिया कृषि। तो ये दो बिंदु आ गए। एक नंबर का प्रश्न बनता है कि चिमाता और दजिया कृषि में अंतर बताइए। तो इसकी परिभाषा बतानी है कि भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी प्रदेशों में जो झूमिंग या स्थानांतरित कृषि की जाती है उस कृषि को बोलते हैं चिमाता और मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उस कृषि को बोलते हैं दजिया कृषि। अब आगे अगला बिंदु आता है इनका भोजन। यानी ये लोग भोजन कहां से प्राप्त करते हैं और उस भोजन में कौन कौन से पदार्थों का ये सेवन करते हैं कौन कौन सी चीजें खाने के काम में लेते हैं। तो भोजन के अंतर्गत बिल्लू का मुख्य भोजन है वो मक्का है। देखिए भारत के जो पहाड़ी प्रदेश है दक्षिण भारत का जो पहाड़ी और पठारी प्रदेश है तो वहां पर मक्का की खेती की जाती है। और अभी पिछले बिंदु में मैंने पढ़ा था कि लगभग 80% भील आजकल खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इनका भोजन का जो मुख्य अंग है या भोजन का जो मुख्य पदार्थ है भोज्य पदार्थ वो है मक्का। मक्का के आटे को छाछ में उबालकर उससे राबड़ी बनाई जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में बाजरे के आटे से राबड़ी बनाई जाती है
उसी प्रकार से दक्षिण राजस्थान के अंदर मक्का के आटे से बाजरी जो राबड़ी है उसका निर्माण किया जाता है, वो बनाई जाती है। इसके साथ साथ बिलों के द्वारा जो उनके धार्मिक उत्सव होते हैं या घरों के अंदर जो उत्सव होते हैं, उन उत्सवों में वो उत्सव के अवसर पर चावल के साथ चावल के द्वारा लापसी का निर्माण भी करते हैं। मक्का और चावल को मिला करके और इसके साथ साथ चना उसमें मिला करके और वो लापसी बनाते हैं। तो ये इन बिल्लों का मुख्य भोजन है। इसके अलावा बिल्लों के द्वारा जंगली जानवर है उनका शिकार भी किया जाता है और उनका मांस है वो भी खाने के काम में लिया जाता है। आगे अगला बिंदु आता है इनका वस्त्र। यानी भील जनजाति के लोग कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, उन वस्त्रों के बारे में हम अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से वस्त्र इन लोगों के द्वारा पहने जाते हैं। तो आपके जो ये अध्याय है उसमें बताया गया है बिल्लों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों में कि बिल्लों के द्वारा वस्त्र वो बहुत ही कम पहनते हैं। साथ ही साथ पुरुष है वो सूत छाल से बना हुआ नेकर और स्त्रियां वो घाघरा पहनती है। पेड़ों की छाल से वो नेकर का निर्माण करते हैं और स्त्रियों के द्वारा घाघरा पहना जाता है। ये तो हो गया उनके पुराने जो वेशभूषा है, पुराना जो पहना हुआ है। उसके बाद में वर्तमान में पुरुष धोती कमीज और साफा पहनते हैं और स्त्रियां वो पुरुषों के द्वारा धोती कमीज और साफा पहने जाते हैं और स्त्रियां घाघरा कांचली और लुगड़ी पहनती है। इसके साथ साथ लड़के नेकर और लड़कियां घाघरी और ओढ़नी पहनती है। ये जो छोटा घाघरा होता है वो पहना जाता है और साथ ही ओढ़नी जो लुगड़ी होती है वो लड़कियों के द्वारा ओढ़ी जाती है। तो ये आ गया इनका पहनावा। अब आधुनिक संस्कृति के प्रभाव से इन लोगों के द्वारा धोती कुर्ता के साथ साथ पेंट और कमीज है वो भी इन्होंने पहनना शुरू कर दिया है। इसके आगे ये पित्तल और चांदी के बने हुए आभूषण पहनते हैं। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही पित्तल और तांबे से बने हुए साथ ही चांदी से बने हुए आभूषण है वो पहनते हैं। अगला जो बिंदु आता है हमारा वो है उनका निवास क्षेत्र। इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा है कि भील है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ज्यादातर भील जनजाति है वो राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के अलावा ये मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। राजस्थान में ये जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ भागों में जो पहाड़ी प्रदेश है उन क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी ये जनजाति पाई जाती है। इसके बाद में इनका निवास ग्रह। एक तो निवास क्षेत्र और एक निवास ग्रह। निवास क्षेत्र जो जिस क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है या वहां पर रहती है वो तो आ गया इनका निवास क्षेत्र है। लेकिन वहां पर उनका जो निवास ग्रह किस प्रकार का है, रहने का जो उनका मकान है वो किस प्रकार का है, उसको बोलेंगे हम निवास ग्रह। अब इन लोगों के निवास ग्रह वो किस प्रकार के होते हैं, तो बिल्लों के घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। जो मानव के अधिवास है उन अधिवासों का एक बिंदु है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है छितरे हुए या बिखरे हुए, एक ही जगह गुच्छे के अंदर या एक ही जगह इनके मकान न होकर के और अलग अलग बिखरे हुए इनकी डाणियां होती है, अलग अलग इनके मकान होते हैं। तो प्रकीर्ण स्थिति में इनके मकान पाए जाते हैं। इनकी झोपड़ियां खेत के मध्य टीलों पर बनाई जाती है जहां पर वर्षा का पानी नहीं पहुंच पाता है बाढ़ के समय, तो वहां पर ऊंचाई वाला स्थान होता है खेत के बीच का जहां पर ये लोग अपनी झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ ये अपने आप में पूर्ण होती है, यानी उस झोपड़ी के अंदर ही रहने का स्थान होता है, उस झोपड़ी के अंदर ही जो रसोई होती है वो रसोई होती है, उसके पास में ही पशुओं के लिए बाड़ा होता है क्योंकि ये कृषि के साथ में थोड़े बहुत पशुपालन भी करते हैं। तो पशुओं का बाड़ा भी वहीं उस झोपड़ी के पास में बनाया जाता है और वो खेत का जो ऊंचाई वाला भाग होता है मध्य का भाग जहाँ ऊंचा किला बना होता है
वहां पर ये इनके मकान या इनकी झोपड़ी है निवास ग्रह वो बने होते हैं। ये निवास ग्रह, इन निवास ग्रहों में आवास के साथ साथ अन्न रखने या जो अन्न का भंडारण है वो ही वहीं पर किया जाता है उसी झोपड़ी में या उसमें छोटा अनाज रखने का स्थान बना करके और वहां पर अनाज को इकट्ठा रखा जाता है। अनाज क्योंकि वहां पर झूमिंग कृषि की जाती है यानी स्थानांतरित कृषि की जाती है तो वो कृषि एक प्रकार से जीविका निर्वाह या जीवन निर्वाह कृषि होती है। पूरे साल में वो इसी प्रकार से खेती करते हैं कि खाने के लिए उनके पूरे साल अन्न बना रहे और बेचने के लिए या अन्य कार्यों के लिए व्यापार के लिए वो खेती नहीं करते हैं, थोड़े बहुत क्षेत्र में करते हैं, पूरे साल के अंदर उनको अन्न की प्राप्ति होती रहे इस प्रकार से वो अन्न का उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ अन्न भंडार के अलावा पशुओं को रखने की व्यवस्था भी उस झोपड़ी के आसपास में ही बाड़ा बना करके और उसमें की जाती है। इसके अलावा पशुओं का बाड़ा वही होता है, अन्न भंडार वही होता है, रहने का स्थान भी उस झोपड़ी के पास में होता है। घर की दीवारें मिट्टी और बांस तथा जो खपरेल होती है बांस को चीर करके और उसकी जो कपचियां बनाई जाती है उसके माध्यम से दीवार का वो निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं खपरेल। तो जैसे हमारी भाषा के अंदर उसको बोलते हैं टाटी। तो चारों ओर खपरेल या टाटी बना करके और वो बाड़े का निर्माण करते हैं। इसमें उनकी जो दीवारें होती है मकानों की उन दीवारों को गारे से और गेरुआ जो मिट्टी आती है उस मिट्टी को मिला करके यानी गार और जो गोबर होता है उसको मिला करके और अपने मकानों की दीवारों को वो लीपते हैं, उन पर अलग अलग प्रकार की कलाकारी करते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार से रंग रोगन करते हैं। ये आ गया उनका निवास ग्रह। अब निवास ग्रह के बाद में आता है औजार और बर्तन। औजार और बर्तन, इन बिलों के जो औजार कौन कौन से हैं और बर्तन कौन कौन से हैं। इसमें जो निवास ग्रह था उसमें एक बिंदु था थला और पाल। दो बिंदु है जैसे अभी कुआ आया था चिमाता दजिया कृषि का, तो उस प्रकार से इनके मकानों का या जो रहने का निवास ग्रह उनका समूह आता है। एक होता है फला और दूसरा होता है पाल। तो बिलों के जो छोटे गांव का समूह होता है उसको बोलते हैं फला और जो बड़े गांव का समूह होता है उसको बोलते हैं पाल। तो फला और पाल बिलों का गांव का समूह है उसी को कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम औजार और बर्तन, इन लोगों के औजार किस प्रकार के होते हैं, किस से बनाए जाते हैं और इनके जो बर्तन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो धनुष बाण, क्योंकि बिल्लों का जो शिकार करने का मुख्य औजार है वो धनुष बाण ही है। धनुष बाण के अलावा एक छोटी कृपाण होती है जिसको बोलते हैं खंजर। तो धनुष बाण, खंजर, खंजर के अलावा तलवार, ये तो होते हैं इनके प्रमुख औजार। इसके साथ साथ इसके अलावा जो अन्य प्रकार के जो औजार रहते हैं उन औजारों में जो उनकी बाण होता है उस बाण का जो अग्रभाग है उस अग्रभाग कर हड्डियों को घिस करके उसको नुकीला बना करके वो लगाया जाता है या फिर लोहे को तिक्का करके और नुकीला करके वो बाण के अग्रभाग पर लगाया जाता है ताकि जो शिकार पकड़ते हैं उस शिकार को वो आसानी से मार सके। इसके अलावा एक इनका मुख्य जो औजार होता है वो होता है फटकिया। फटकिया नाम का इनका प्रमुख एक औजार होता है। उस फटकिया का उपयोग वो जो छोटे जानवर होते हैं पक्षी होते हैं उन पक्षियों को मारने में उनको पकड़ने में उसको काम में लेते हैं। तो ये एक प्रकार का फंदा होता है जिसको हमें फांस भी बोल सकते हैं। तो उस फंदे में ये छोटे जो जानवर होते हैं उन जानवरों को फंसाने का काम करते हैं उसको बोलते हैं फटकिया। इसके अलावा इनके प्रमुख औजारों में दो प्रकार के बाण होते हैं, एक तो होता है हरियो और एक होता है रोपदो। ये इनके बाण के दो भाग प्रकार है, एक होता है हरियो और एक होता है रोपदो। हरियो होता है उसका आगे का जो नुकीला भाग होता है वो कठोर वस्तु का न बना करके और हल्की वस्तु का बनाया जाता है लेकिन उसको
जो विष होता है, जहर होता है, उस जहर से उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद में वो बाण पर लगाया जाता है। रोप दो होता है जो लोहे का बना हुआ बाण होता है अगर बाघ, उसको बोलते हैं रोप दो। ये दो प्रकार हो गए बाण के। अब आता है इनका समाज और संस्कृति। समाज व संस्कृति, बिल्लों का समाज किस प्रकार का है, इनका पहनावा किस प्रकार का है, इनका रहन सहन किस प्रकार का है, इनका खान पान कैसा है, वो पूरा का पूरा बिंदु इसमें आ जाता है समाज और संस्कृति के अंदर। बिल अनेक पितृ सत्तात्मक समूह में रहते हैं, यानी यहां पर भी जो सत्ता होती है वो पितृ सत्तात्मक की है। पिता को सबसे प्रमुख दर्जा दिया जाता है, पुत्र के आगे पिता का नाम भी लगता है न कि माता का नाम। तो यहां पर भी पितृ सत्तात्मक की व्यवस्था पाई जाती है और ये कुलों में रहते हैं। कुल होता है जो समाज या परिवार होता है उसको बोलते हैं कुल, तो ये कुलों में रहते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग भागों में अलग अलग गांवों के अंदर रहते हैं। अब एक समाज है उनका तो यह एक कुल है, तो उस कुल का अलग गांव होगा, दूसरा समाज या कुल है उसका दूसरा गांव होगा। इस प्रकार से ये जो कुल अलग अलग गांवों के अंदर निवास करते हैं, साथ ही इनका अपना गण चिन्ह होता है, उनके समाज का एक चिन्ह होता है गण, जिसको बोलते हैं गण चिन्ह। कुल का चिन्ह जिसको बोलेंगे हम गण चिन्ह। तो ये कुल अलग अलग गांव में निवास करते हैं और उन कुलों का एक अपना स्वयं का गण चिन्ह होता है। इनमें भी बहु पत्नी प्रथा पाई जाती है और सामान्यतः विवाह का पक्ष प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है, और विवाह के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो वर पक्ष या लड़के वाले पक्ष के लोग होते हैं, उनके द्वारा ही विवाह के लिए प्रस्ताव आता है। इनमें लड़के के पिता को कन्या का मूल्य देना पड़ता है जिसे दापा कहते हैं। तो इनका जो विवाह का प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। दो प्रकार का विवाह होता है, एक तो होता है दापा विवाह और एक होता है गोल गधेड़ो विवाह है। दापा विवाह, दापा विवाह में क्या होता है कि लड़के के जो वर पक्ष के लोग है या लड़के के पक्ष के लोग है वो लड़की के घर पर जाते हैं और कन्या का मूल्य अदा करके और उससे वो अपने लड़के का विवाह करते हैं, तो उसको तो बोलेंगे हम दापा विवाह। एक है दूसरा गोल गाधेड़ो विवाह प्रथा। गोल गाधेड़ो विवाह प्रथा, इस प्रथा में कि कोई भी युवक सूर्यता और साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार प्राप्त करता है। कोई सा भी भील व्यक्ति है वो सूर्यता का प्रदर्शन करते हुए या साहस का प्रदर्शन करते हुए किसी लड़की को चुनने का या उसे विवाह करने का अधिकार प्राप्त करता है, तो उस विवाह प्रथा को बोलेंगे हम गोल गाधेड़ो विवाह प्रथा। तो दो प्रकार के विवाह यहाँ पर पाए जाते हैं, एक तो दापा विवाह और ये दूसरा आता है गोल गाधेड़ो विवाह। तो ये दो प्रश्न बन गए एक एक नंबर के कि दापा विवाह क्या होता है या गोल गाधेड़ो विवाह क्या होता है या फिर गोल गाधेड़ो विवाह कौन सी जनजाति में किया जाता है। इस प्रकार से छोटे छोटे बिंदु है या छोटे छोटे जो इसमें मुख्य बिंदु है उनसे ही अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो तीन नंबर का प्रश्न आता है तो इसमें छोटा प्रश्न एक नंबर का और बड़ा प्रश्न है वो दो नंबर का, कुल मिलाकर ये तीन नंबर का प्रश्न बन जाता है, या फिर सीधा एक बड़ा प्रश्न दिया जाता है तीन नंबर का। तो इसमें ये दो बिंदु बन गए, ये तो दापा विवाह और एक गोल गाधेड़ो विवाह है। ये व्यक्ति प्रकृति पूजक होते हैं और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, साथ ही जो कृषि उपकरण है उनकी भी ये पूजा करते हैं, क्योंकि आदिवासी जनजातियों में शिक्षा का अभाव होता है, तो इसके कारण ये लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, जादू टोनों में विश्वास करते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, लेकिन ये प्रकृति पूजक भी होते हैं क्योंकि इनकी जो भोजन का प्रमुख कार्य है वो प्रकृति से प्राप्त होता है, चाहे वो जंगली जीव है या कंदमूल फल है, तो ये प्रकृति पूजक होते हैं। साथ ही जो कृषि करने के औजार होते हैं इनके, उनकी भी वो पूजा करते हैं।
इस प्रकार से इनका समाज और संस्कृति का बिंदु है। आगे इनके प्रमुख उत्सव में होली, दीपावली और गुम्मर और गेर, ये इसके प्रमुख नृत्य हैं। होली दीपावली इनके प्रमुख उत्सव है, गुम्मर और गेर इनके प्रमुख नृत्य हैं। इसके साथ साथ राजस्थान में सोम, जाखम और माही तीन नदियां हैं दक्षिणी भारत, दक्षिण राजस्थान की, सोम, जाखम, माही, इनका संगम जिसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, त्रियन तीन वेणी नदियां संगम यानी उनका मिलन स्थल है। तीन नदियों का संगम त्रिवेणी, सोम, जाखम और माही नदियों का संगम स्थल वेणेश्वर। डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम जहां इनका प्रसिद्ध मेला लगता है, बिल्लों का ये प्रमुख मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला लगता है वेणेश्वर धाम में, वो है सोम, जाखम और माही नदियों के संगम पर, इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। इस मेले में ये लोग आके चारों ओर नृत्य करते हुए शिव की आराधना करते हैं, अपने जो उनका इष्ट देव होता है भगवान शिव, तो उनकी वो आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रासलीला का आनंद लेते हैं और मदिरा पान करते हैं। मदिरा जो उनकी शराब होती है वो महुआ नामक पौधा होता है, उसके फूलों से मदिरा या शराब बना करके पीते हैं, जो उनकी देसी शराब होती है उसको उसका रस पान करते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में। फायरे, फायरे इनका प्रमुख रणघोष है। जब इन पर किसी प्रकार की आपत आती है, संकट आता है, तो फायरे फायरे नाम का रणघोष करते हैं, जिससे इनके जो लोग हैं, इनकी जो अन्य व्यक्ति है वो समझ जाते हैं कि हमारे साथियों पर किसी प्रकार का कोई संकट आ गई है, आपत आ गई है, तब ये रणघोष हुआ है, तो उनकी रक्षा के लिए या उनकी सहायता के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो फायरे फायरे भील जनजाति का प्रमुख रणघोष है। इनकी समस्त पाल का मुखिया गम्यती और मार्गदर्शक बोलावा होता है। पाल का मुखिया जिसको बोलते हैं गम्यती और मार्गदर्शक, इनको आगे मार्ग दिखाने वाला या इनको शिक्षा देने वाला उसको बोलते हैं बोलावा। पाल जो अभी मैंने पढ़ा था, फला और पाल इनके जो गांव होते हैं उन गांवों को बोलते हैं। फला छोटे गांव का समूह होता है, पाल बड़े गांव का समूह होता है, तो उन बड़े गांव के समूह का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं गम्यती और जो उनका मार्गदर्शक होता है, उनको दिशा दिखाने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं बोलावा। ये आ गया इनका समाज और संस्कृति से संबंधित बिंदु। अब आगे लास्ट बिंदु आता है इनका आधुनिक संस्कृति पर प्रभाव या आधुनिक संस्कृति से इनका संबंध। आधुनिक संस्कृति से संबंध, क्योंकि जितने भी आदिवासी जनजाति हैं उन जनजातियों में शिक्षा का बहुत ही कम प्रभाव पाया जाता है, शिक्षित ये लोग शिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन आसपास का जो इनका क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के पास में जो शहरी इलाके होते हैं उन शहरी इलाकों से या जो दूसरे गांव होते हैं तो उन गांवों की जो संस्कृति है उनसे इनके जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है। उन्होंने उस संस्कृति को इन्होंने स्वीकार किया है या उस संस्कृति को अपनाया है और स्वयं की जो पुरानी संस्कृति है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो आधुनिक संस्कृति से इसमें क्या बदलाव आया है वो हम इस बिंदु के माध्यम से पढ़ेंगे। आधुनिक संस्कृति में कि पहला तो है वर्तमान में युवा वर्ग मेहनत मजदूरी करने लगे और शहरी क्षेत्रों से संपर्क होने के कारण चतुर और चालाक भी हो गए हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 का निर्माण कर दिया गया है, जिसके कारण भील लोग धीरे धीरे आखेट करना या वन्य जीवों को मारना इन्होंने छोड़ दिया है। लगभग 80% आबादी है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है।
कृषि कार्यों में ये व्यक्ति लगे होने के कारण धीरे धीरे इनकी जो आजीविका का साधन है या रोजगार का साधन है वो भी कम हो गया, जिससे वीर लोग पास के जो पड़ोसी राज्य है या पास के पड़ोसी क्षेत्र है जहां पर वो शहरी क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने मजदूरी करना भी शुरू कर दिया है, साथ तो मजदूरी करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ये लोग चतुर और मेहनती भी होते हैं, क्योंकि पहाड़ी प्रदेशों में निवास करने के कारण इनके शरीर में इसी प्रकार इनके शरीर के अंदर या शरीर की बनावट इसी प्रकार की हो जाती है कि वो काफी मेहनत करते हैं। वैसे ये व्यक्ति ईमानदार भी होते हैं, तो ये लोग शहरों में जाकर के इन्होंने वहां पर मजदूरी करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अब ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था बाजार से संबंधित होती है तो उस अर्थव्यवस्था की ओर धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। इन सामान को तैयार करना, उसके बाद उसको बाजार में बेचना या बाजार के अंदर मेहनत मजदूरी करना, उसको बोलते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, तो उसकी ओर धीरे धीरे ये लोग बढ़ रहे हैं। बाह्य संस्कृति में संपर्क में आने के कारण इनका जो पहनावा, इनके जो वस्त्र है या इनकी जो बोलचाल की भाषा है उसमें भी काफी परिवर्तन आया है। उनकी स्वयं की जो मातृभाषा है उस भाषा को धीरे धीरे इन्होंने छोड़ दिया है, और जो शहरी क्षेत्र है वहां पर लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है उनको इन्होंने ग्रहण करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति रोजगार के लिए अपने गांव को छोड़कर के शहरों में जा रहे हैं, तो वो वहां की भाषा को सीख रहे हैं, इसके कारण इनका पहनावा और जो बोलचाल है या इसकी भाषा है उसमें भी काफी परिवर्तन हुआ है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा भी जो आदिवासी क्षेत्र है उस प्रदेश के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया गया है। वहां पर विद्यालयों की स्थापना की गई है, चिकित्सा के लिए अस्पताल या चिकित्सालयों की वहां पर स्थापना की गई है, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार की उन प्रादेशिक क्षेत्रों के लिए सरकार के द्वारा योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसका ये भील लोग काफी बड़े क्षेत्र में या काफी बड़े पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं। अब लास्ट में इसका थोड़ा सा बिंदु बचा हुआ है कि ये लोग जो पहले झूमिंग कृषि करते थे उस कृषि को धीरे धीरे बढ़ा करके और जो जीवन निर्वाह कृषि है उसकी जगह गहन निर्वाह कृषि भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। यानी अपने भोजन के साथ साथ उन्होंने फसलों को, अधिक फसलों को बोना शुरू कर दिया है ताकि उनसे कुछ पैसे प्राप्त हो सके और उन पैसों से वो अपने अलग अलग प्रकार की वस्तुएं भी।